हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इमरजेंसी लाइट की वायरिंग कैसे करें। दोस्तों पूरी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इमरजेंसी लाइट, जो घरों में इमरजेंसी लाइट होती है उसकी वायरिंग कैसे करें। जैसे कि आप लोगों को मार्केट में 250-300 रुपए की मिल जाती है, उसमें 4-6 बल्ब लगे रहते हैं। जब लाइट कट जाती है तो लोग इमरजेंसी लाइट लेकर आते हैं, जलाते हैं। उसकी जो वायरिंग होती है वो वायरिंग हम आप लोगों को डायग्राम द्वारा बताएंगे। इस पे आप लोग देख सकते हैं, जो ये डायग्राम हम बनाए हुए हैं, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चार्जिंग लाइट की वायरिंग, यानी चार्जिंग लाइट की वायरिंग हम आप लोगों को बताएंगे। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 एलईडी, 1 एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 4 एलईडी, 5 यानी एल 5 एलईडी है। आप लोग देख सकते हैं जो एलईडी है। और यहां पर जो लिखा हुआ है चार्जिंग जैक, चार्जिंग जैक किसे कहते हैं, जैसे हमारे मोबाइल का जो एडेप्टर होता है, एडेप्टर का जो डाटा केबल होता है, आप लोग देख सकते हैं उसका जो डाटा केबल इसमें लगता है चार्जिंग होने के लिए, उसे चार्जिंग जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग जैक। और उसके बाद यहां पर लगा हुआ है डायोड, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लगा हुआ है डायोड, ये डायोड है। डायोड में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये है प्लस, और ये वाला जो हिस्सा है ये है माइनस, ये माइनस है। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है। उसके बाद एक चार्जिंग एलईडी लगी रहती, जैसे आप अपने घरों में एक एलईडी बोर्ड में एलईडी लगी रहती है, एलईडी लगी रहती है, जैसे लाइट आती है तो हमारी जो एलईडी है वो जल जाती है, इसको इंडिकेटर बोला जाता है। उसी तरह हमारे चार्जिंग में, जैसे हम चार्जिंग में अपने इमरजेंसी लाइट को कनेक्ट करेंगे, वैसे ये एलईडी लाइट जो हमारी है हमारी चालू हो जाएगी, जलने लगेगी, वर्क करने लगेगी। आप लोग यहां तक देख सकते हैं, तो इसकी जो वायरिंग है, हमारा जो रेड कलर का बना हुआ है ये हमारा रेड वायर है, और जो है ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं माइनस में ब्लैक कलर जोड़ा हुआ है, ये माइनस है और ये माइनस है, इसमें ब्लैक वायर जोड़ा गया है। और जो है रेड वायर जो है इसमें प्लस वाले में जोड़ा गया है। एलईडी में दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, आप देख सकते हैं। इसका एक वायर हम लेके चले आए हैं रोटरी स्विच में, यहां पर देखिए रेगुलेटर स्विच या रोटरी स्विच, आप जो है इसमें एक स्विच लगता है, जैसे रेगुलेटर होता है ना फैन का रेगुलेटर, घरों में आप लोग देखे होंगे रेगुलेटर होता है, जिसके रेगुलेटर के माध्यम से हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, पंखे को धीमे चला सकते हैं या फिर पंखे को ज्यादा स्पीड चला सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। उसी तरह यहां पर जो है हम रोटरी स्विच इसके बोल सकते हैं, रोटरी स्विच भी, इसे रोटरी स्विच भी कहते हैं या रेगुलेटर स्विच कहते हैं। तो यहां पर देखिए एक रेगुलेटर स्विच है, ये राउंड है, ये गोल में घूमता है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद यहां से एक वायर इसमें डायरेक्ट कनेक्ट किए, दूसरा वाला वायर हम डायरेक्ट लेके आए हैं, बैटरी के प्लस वाले सिंबल पे कनेक्ट कर दिए हैं। किस पे? बैटरी के प्लस वाले सिंबल पे लाके कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी है, देखिए ये बैटरी बनी हुई है, और इस पे लाके यहां पर कनेक्ट कर दिए प्लस वाले सिंबल पे। और बैटरी में दो होता है, एक प्लस एक माइनस, माइनस वाला जो है हम बैटरी, देखिए यहां पर बैटरी लिखा हुआ है, और यहां से एक वायर लेकर आए हैं एलईडी बल्ब में से, देखिए एलईडी है, यहां से लेके आए हैं एक डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी में, और फिर यहां से लेकर गए हुए हैं एलईडी में कनेक्ट कर दिए हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहां से लेके आए हुए हैं ब्लैक वायर को हम जैक में कनेक्ट किए हैं। जैसे यहां से हमारी न्यूटन की सप्लाई आएगी, यानी माइनस की जो सप्लाई आती है यहां से होते हुए आएगी, तो सबसे पहले यहां पर हमको न्यूटन मिलेगा, क्योंकि सप्लाई यहां से आ रही है तो यहां पर हमके न्यूटन मिलेगा। उसके बाद यहां से सीधा आएगी न्यूटन हमारी बैटरी के, बैटरी के अंदर हमारी जो न्यूटन डायरेक्ट आ रही है, यानी कहीं से भी इसमें डायोड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, हमारा जो न्यूटन कॉमन होता है सभी लोगों को पता है, ये चीज हर वीडियो में हम बताते हैं कि न्यूटन हमारा कॉमन है, आप डायरेक्ट उसे जोड़ सकते हैं। अब यहां पर फेस की बात करें, जो हमारा प्लस है, यहां से हम प्लस को लेकर आते हैं, तो देखिए यहां पर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यानी हमारी जो है एलईडी को, एलईडी को जलाने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, आप देख सकते हैं उसमें कलर होते हैं, इसमें कलर कोड होते हैं, कलर कोड से हमें पहचान करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है। आप लोग कभी भी उसमें जो कलर लगे रहते हैं ना, उससे निकाला जाता है कैलकुलेटर करके कितने ओम का है, पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जो ये डायोड है, डायोड जो है हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए, बैटरी जो हमारी आप देख सकते हैं यहां से फेस वायर आ रहा है, यहां से
उसके बाद डायोड से होकर यहाँ से सीधा जो है हमारी बैटरी में, बैटरी में आने के बाद जो है हमारा जो चार्जिंग है, यहाँ जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम एक सॉकेट लगी हुई है, यहाँ से एडेप्टर यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिया है इसमें डायरेक्ट, और यहाँ से होते हुए फेस हमारा चला जाएगा एलईडी में, और डायोड से होते हुए जो है हमारी बैटरी में आएगी, हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब देखिए बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है, क्या हम चार्जिंग करते समय क्या अपने इमरजेंसी लाइट को ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बीच में ही जोड़ दिया गया प्लस को, देखिए बैटरी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पर है, तो ये जो बैटरी है इसके बीच में ही यहाँ पर हम जोड़ दिए हैं, इसलिए जोड़ दिए हैं यहाँ पर कि अगर हमें चालू अवस्था में अगर लाइट लगी हुई है चार्जिंग में, मान लीजिए कभी कभी घरों में ये होता है कि हमारी जो बैटरी है वो डेड हो जाती है या खराब हो जाती है, लेकिन हमारी जो ये एलईडी है ये सही रहती है, इससे हम चार्जिंग में खोज के जो हमारा घर का चार्जर होता है मोबाइल को, जो एडेप्टर को लगा के यहाँ से हम इस एलईडी को जो है, ये जो एलईडी आप देख रहे हैं इस एलईडी को हम जला सकते हैं इस रोटरी स्विच के माध्यम से, रोटरी स्विच के माध्यम से इसमें 1 2 3 4 5 5 6 7 यानी देखिए यहाँ पर 5 6 7 तीन खटका, ये तीन टाइप की आती है, 5 खटके 6 खटके 7 खटके, यानी जो रोटरी होती है ना वो 5 खटके की आती है, मतलब उसको जो है 5 दिन वो राउंड में घूम सकती है, और 6 7 में भी आती है, आप जैसा भी लगाएं। इसमें भी रेजिस्टेंस डायोड सब लगे रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस ही रहते हैं ज़्यादा करके, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर लगे रहते हैं, जैसे इसको आप कभी भी खोल के देखिएगा तो इसमें लगे रहते हैं। तो आप लोग इसकी जो पूरी वायरिंग करने आ गया होगा, अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं इमरजेंसी लाइट तो इस तरह आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप एलईडी ले लीजिए, एक सिरे पे आप फेस को कनेक्ट करिए, दूसरे सिरे पे आप न्यूटन को कनेक्ट करिए, और लाके बैटरी में कनेक्ट कर दीजिए, न्यूटन को, न्यूटन डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है न्यूटन हमारा, ये जो देख सकते हैं यहाँ से न्यूटन आ रहा है ऐसे, ये बैटरी में लाके कनेक्ट कर दिए यहाँ से। उसके बाद जो फेस लेकर आएंगे हम कहाँ पर, स्विच में कनेक्ट करेंगे, और स्विच में इन कनेक्ट करेंगे, आउट हमारा जो जा रहा है आउट लाके इसमें कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से लेकर आएंगे बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ पर लगाना हमें एक रेजिस्टेंस एक डायोड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसे और विस्तार से बनाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, फराटा फैन का चाहिए या सीलिंग फैन या कूलर पंखा एसी या फिर गीजर, किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो में बस इतना ही, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को थैंक यू।